अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको जो फ़ोन बताने वाला हूँ, अगर आपको बेस्ट किस्म के कैमरे चाहिए, डिस्प्ले भी जिनमें काफ़ी तगड़ी किस्म का लगाया गया और परफॉर्मेंस जिसमें प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा हो, तो प्रोसेसर का फ़ायदा इसलिए भी अच्छा होता है कि चाहे आपने गेमिंग ना भी करनी हो, एक तो आपको फ़ोन बैटरी एफिशेंट मिलता है, बहुत ही कम बैटरी आपका फ़ोन यूज़ करेगा। जहाँ आपको सिर्फ इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह के लिए भी फ़ोन लेना है तो काफ़ी आपको फास्ट सा फ़ोन लगता है, लैग वगैरह आपका फ़ोन नहीं करता। तो आपको ज़रूर से इस वाले फ़ोन का वेट करना चाहिए जो Xiaomi का फोन है, Redmi Note 11 Pro Max के नाम से जो आ सकता है पाकिस्तान में, जहां डिफरेंट नेम भी इसका हो सकता है, लेकिन ये चाइना में फोन Pro Plus के नाम से लॉन्च हुआ है। तो इसमें आपको मिलेगा सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले जो काफी ज्यादा ब्राइट है, 1200 निट्स तक ब्राइट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंच का 1080p रेजोल्यूशन वाला ये डिस्प्ले है और गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट के साथ आता है। तो फ्लैट डिस्प्ले है और बैक पे भी काफी प्रीमियम किस्म का डिजाइन है। एंड्रॉइड 11 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है तो परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक इसमें मिलेगी। 6nm टेक्नोलॉजी वाला इसमें चिपसेट है जो कि मीडियाटेक का है, डायमेंसिटी 920 वाला, 5G वाला जो प्रोसेसर है और हाई एफिशिएंट इसमें दो कोर्स मिलते हैं जो कि कोर्टेक्स A78 वाले हैं और 6 कोर्स इसमें A55 वाले हैं। तो काफी ठीक ठाक ये प्रोसेसर है। 8GB की इसमें रैम है और 128GB की स्टोरेज है जो बेस वेरियंट है और 256GB स्टोरेज वाला भी इसमें वेरियंट आता है। LPDDR4X वाली रैम और UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप है। तो 108 मेगापिक्सल का बैक पे इसमें कैमरा मिलता है। तो अगर आपको हाई मेगापिक्सल वाले पिक्चर्स भी लेने हैं तो तब भी काफी बेस्ट ऑप्शन है ये। 3 कैमरे हैं इसके बैक पे, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर इसमें दिए गए हैं। वाईफाई 6 है इसमें, ब्लूटूथ 5.2 वाला, यानी कि सभी फीचर ज्यादातर फ्लैगशिप किस्म के हैं। टाइप सी वाला चार्जर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड बटन में ही दिया है तो जिसकी वजह से प्राइस भी आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकती है। 4500mAh की बैटरी और 120W का फास्ट चार्जर है इसमें जो कि 100% बैटरी सिर्फ 15 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा। तो ये काफी फ्लैगशिप किस्म वाले फीचर हैं, तो हो सकता है ये पाकिस्तान में कम फास्ट चार्जर वाला भी फोन दें, लेकिन अभी के टाइम तो ये चाइना में फोन मिलता है जिसकी प्राइस पाकिस्तानी कन्वर्ट करें 51,000 बनती है। तो इस प्राइस में काफी तगड़ा फोन बन जाता है अगर ये कम फास्ट चार्जर के साथ भी आता है। तो बाकी के फीचर भी इसमें काफी तगड़े हैं, जैसे कि प्रोसेसर काफी हाई लेवल का आपको मिलता है, कैमरे भी काफी बेस्ट मिल जाते हैं और सुपर एमोलेड वाला एक अच्छा डिस्प्ले इसमें मिलता है जो कि देखने को भी काफी अट्रैक्टिव लगता है और ब्राइट भी है। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसा फोन जिसमें सभी फीचर आपको काफी तगड़े किस्म के मिले और प्राइस भी कम हो, तो इस वाले फोन का वेट कर सकते हैं, तो जो कि आपको 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में ही पाकिस्तान में मिल सकता है। तो आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।